गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इन एमएससी फाइनल जूलॉजी। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सिफेलोपोड डेटा के बारे में, और सिफेलोपोड डेटा के कुछ जनरल फैक्टर हमने पढ़ लिए थे। सिफेलोपोड डेटा का एक एनिमल है जिसका नाम है एमसी ऑक्टस, जिसका नाम है एमसी ऑक्टस। एमसी ऑक्टस इसका नाम क्यों पड़ा? यदि एमसी ऑक्टस नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि एमसी एमसी में सदा बहुत ऑक्टस में बहुत पॉइंटेड है, ऑक्टस में ज्यादा पॉइंटेड, इसके दोनों एंड पॉइंटेड निकले होने के कारण इनका नाम एमसी ऑक्टस रखा गया है। और कुछ इसके जनरल कैरेक्टर हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, इस जनरल कैरेक्टर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग फर्स्ट चीज है सीरम एंटर सिलस टाइप। स्टूडेंट, सीरम तीन टाइप की होती है, ए सीरम, ए सीरम, और ट्री सीरम। एंटर सिलस होती है, कौन सी होती है? ये ट्री सीरम होती है। कौन सी होती है? ट्री सीरम का पार्ट है, रिड्यूस इनटू फैबिक रीजन। लेकिन फैब्रिक प्रोडक्ट क्षेत्र के अंदर में क्या हो जाती है? रिड्यूस कम डेवलप होती है, आर्थिक हो जाती है, नष्ट हो जाती है। प्रोटोकॉल रोड लाइट, प्रोटोकॉल कैसी होती है? रोड लाइट सब होती है, ये ऐसी प्रोटोकॉल होती है। पाकिस्तान एक्सटेंडिंग फ्रॉम बोस्टन टू टेन, शरीर के आने वाले हिस्से से लेकर पीछे वाले हिस्से तक पाई जाती है। हाइट द मेन ह्यूमन की फलर को होता है, इस लक्षण के आधार पर इसका जो नाम है वो सिफेलो कोड का रखा गया। इस आधार पर कि लोगों को रोड लाइट होती है और शरीर के अंग भाग से पक्ष भाग कर रोड बनते थे तक पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सिफेलो कोड का। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि माउथ से स्टार्ट और स्टमक पर खत्म होता है। हैरिस लार्ज, हैरिस बड़ी होती है। परफोरेटेड बाय यूट्रस ड्यूसेस, इसके अंदर नंबर में बहुत ज्यादा ड्यूसेस होते हैं और वो ड्यूसेस जिस गंड के द्वारा खुलते हैं उसे कहते हैं एट्रियम। ओपनिंग इनटू एट्रियम, एट्रियम में भोजन को फिल्टर, पानी के अंदर जो आने वाले सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों को ये छलनी की तरह छान कर भोजन के रूप में उपयोग में लेता है। वॉइस कलेक्शन थ्रू जनरल सरफेस ऑफ बॉडी, क्वेश्चन कैसे होता है? क्वेश्चन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्ट क्वेश्चन प्रेजेंट, क्वेश्चन के लिए कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता या एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप, सर्कुलेटरी जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र वेल डेवलप सुनिश्चित प्रकार का पाया जाता है। एक्सप्रेशन उत्सर्जन, एक्सप्रेशन बाई नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया की तीन कैटेगरी होती है, सबसे सुपर टाइप होती है वो टोटल नेफ्रिडिया होती है, उसके बाद मीडियम एफिडिया होते हैं और सबसे एडवांस होते हैं वो मेटल एफिडिया होते हैं, क्योंकि एंटी ऑक्टस सबसे प्रिमिटिव जीव है, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट होते हैं, इसलिए इनमें
उत्सर्जन की जो क्रिया है, एक्सप्रेशन जो क्रिया है, वो प्रोटीन ऑक्सीजन के द्वारा पाई जाती है। नर्व को डोर्सल ट्यूबुलर डिवाइन जंगल एंड ब्रेन, नर्व को फेल हो जाता है नर्वस सिस्टम में। लेकिन नर्वस सिस्टम में दो चीज होती है, एक जंगल होते हैं, एक ब्रेन होता है। लेकिन इस एनिमल्स के अंदर जो नर्व कोड के अंदर ना तो ब्रेन होता है और ना ही नर्व गैंगलियन पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट यानी ये एनिमल यूनी सेक्सुअल एनिमल होता है। क्या होता है? यूनी सेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स एक ही एनिमल से न होकर सेपरेट सेपरेट पाए जाते हैं। गैमेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनमें बहुत ज्यादा होते हैं। मेटाबॉलिकली मेटाबॉलिकली रिप्लिकेट रिपीट होते हैं। गोनोडक्ट लेसिंग, गोनोडक्ट क्या हुआ? गोनोरिस को ले जाने वाली नलिकाएं गोनोडक्ट कहलाती है। वो गोनोडक्ट एब्सेंट होती है या लेसिंग होती है। नो इनसेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इनसेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंक्यूबेटर, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंक्यूबेटर सी वाटर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग इन इंक्लूडिंग इन थ्री स्विमिंग लार्वा, थ्री स्विमिंग लार्वा इंक्लूडिंग इन थ्री स्विमिंग लार्वा लार्वा इसको एक इसकी एक बाकी क्लास है, उसका नाम है लेप्टोक्रोडाई। क्या क्लास है? इसकी ओनली एक क्लास है, क्लास इतनी डिवाइडेड into only single class, to be divided into only single class, single class में divide होता है। और उस single class का नाम है, उस class का नाम है class number eight, called leptocoli, lepto कोडाई। और उस लेप्टो कोडाई का जो एग्जाम्पल है वो है एंथीओकस। उसका एग्जाम्पल क्या है? उस लेप्टो कोडाई का एग्जाम्पल है एंथीओकस। ओके, इस तरह से ये सेफेलोपोड का कंप्लीट होता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में लेफ्ट कॉपी पढ़ेंगे।